तो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था, सैमसंग A52 टेस्ट में एक नया अपडेट आया है, या बोल सकते हैं वहां पर सिर्फ फरवरी सिक्योरिटी का अपडेट आया था। अब यहां पर एक और नया अपडेट आया है, उसके अंदर वन यू 4.1 का अपडेट मिल चुका है और साथ में आपको मार्च की सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाली है। दोस्तों ये कितने अभी का अपडेट है और क्या क्या नए फीचर्स आए हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको कुछ चुनिंदा फीचर बताऊंगा अपडेट होने के बाद, और बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे फीचर्स बताऊंगा कि कौन कौन से इस अपडेट के बाद फीचर्स को रोल आउट कर दिया गया A52S में। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को यहां पर शेयर कर लूंगा ताकि आप वहां पर इजीली उसको समझ सके। तो आपको करना क्या है, यहां पर आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद वहां पर आपको मिलेगा, देखिए जैसे बता दूं आपको मोबाइल की सेटिंग पे जाना है। आओ सबसे नीचे जाएंगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है सॉफ्टवेयर अपडेट का। आपको सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे जाना है। अपडेट पे जाने के बाद आपको वहां पर चेक करना है डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन पे। जैसे ही आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे वो अपडेट की प्रोसेसिंग रहेगी, आपके नेट की स्पीड के हिसाब से वो फट से आपको बता देगा कि अपडेट अवेलेबल है या नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होगा आपको बता देगा, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं वन यू 4.1 का अपडेट ये फाइनली आ चुका है। और उसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ उसको स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर हाइलाइट्स फीचर लिखे हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको हाइलाइट कुछ फीचर आपको अभी बताऊंगा, बाकी मेन फीचर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे लाइक गैलरी के अंदर आपको एड पोर्ट्रेट इफेक्ट्स का मिल गया है, पोर्ट्रेट डिलाइटिंग मिल रही है, कन्वर्ट अननेसेसरी मोशन फोटोज टू स्टिल इमेज, शेयर एल्बम एज लिंक एंड बहुत सारे आपको यहाँ पर फीचर्स लिखे गए हैं। आपको एप्स ऐप के हिसाब से वहाँ पर फीचर्स को लिखा गया है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर नए नए फीचर्स मिल जाएंगे। और सबसे नीचे आएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे कौन कौन सी एप्स अपडेट्स होंगी इस अपडेट होने के, मतलब कि जब आपको फोन को अपडेट करेंगे उसके बाद ये एप्स लिखी हैं जो कि अपडेट्स होंगी, सैमसंग ग्लोबल नोट्स, सैमसंग ग्लोबल गोल्स, ये सब अपडेट हो जाएंगे। और ये जो अपडेट आया है 1274 MB का अपडेट है, लगभग कि 1.2 GB का भी अपडेट है। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है और वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोडिंग होना चालू हो जाएगी, आपकी नेट की स्पीड के हिसाब से वो डाउनलोड हो जाएगा। तो उसको होने देते हैं डाउनलोड। फाइनल पूरी तरह से अपडेट हो गया है और आपसे पूछेगा शेड्यूल और इंस्टॉल नाउ, आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे वो अपडेट होना चालू हो जाएगा और वो प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपका मोबाइल पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं, अब इसको होने देते हैं अपडेट। अपडेट होने के बाद बताऊंगा वहां पर आपको 4.1 का अपडेट मिल जाएगा, साथ में मार्च की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाली है। तो ये थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा पैकिंग, जैसे ही उसकी अपडेट पैक चालू होगा 100% के बाद वो मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा रिस्टार्ट होगा जब तक कि पूरी प्रोसेस होगी। मे बी 15 to 20 minutes लगते हैं इस प्रोसेस को दोस्तों। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना बोलें। इस प्रोसेस को कोई भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ आपका एक क्लिक लगेगा और मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसको होने देते हैं, होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये अपडेट हो चुका है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पर अपना पासवर्ड या पिन डाल के उसको ओपन करेंगे तो ओपन होगा। ओपन होने का थोड़ा टाइम लेगा और नीचे की तरफ आप स्वाइप करके देखेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन चलती हुई दिखेगी, ताकि आपकी मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट अभी बैकग्राउंड में रन चल रहा है। फाइनल होने के बाद आपको वहां पर एक पॉपअप आएगा कि आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर फाइनली पूरी तरह से अपडेट हो गया है। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा सेटिंग में, अबाउट फोन में, वहां पर आपको दिख जाएगा कि आपका 4.1 का अपडेट यहां पर रोल आउट, या बोल सकते हैं फाइनली पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फाइनली ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर योर फोन हैज बीन अपडेटेड, आपको दिख रहा होगा। ओके करना है आपको, इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको अपने मोबाइल में सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जाना है अबाउट में। अबाउट में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको मिल गया है वन यू आई 4.0 का 4.1 का अपडेट आपको हो चुका है। और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिल जाएगा 1 मार्च 2022 की सिक्योरिटी अपडेट आपके मोबाइल में आ चुकी है। तो फाइनली अपडेट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फीचर्स बता दूँ। सबसे पहला जो फीचर दिया गया है यहाँ पर वो है गैलरी के अंदर। तो गैलरी में जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको कोई सी भी अपनी एक फोटो को क्लिक खोल लेना है, या फिर आप चाहें तो कोई भी अपनी फोटो खोल सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक फोटो ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने अपनी फोटो ले ली है। अपनी फोटो लेने के बाद मैंने यहाँ पर गया हूँ, यहाँ गया हूँ एडिट पोर्ट्रेट इफेक्ट में, तो अब मेरी फोटो को वो फाइंड कर लेगा और वहाँ पर इफेक्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप देखेंगे वो आ गया है। अब मैं यहाँ से उसके ब्लर को एडजस्ट कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं, वापस उसको इफेक्ट्स को डाल सकता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप इसकी सेवा कॉपी भी कर सकते हैं। जो सबसे पहला चेंजेस था वो ये था। उसके बाद दोस्तों जो सर है दोस्तों वो है कलर पैलेट्स को लेके। तो उसकी कलर पैलेट्स के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है।
यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ये पूरी तरह से चेंज हो गया। यहाँ पर जाएंगे वॉलपेपर स्टाइल में, कलर पैलेट्स में जाएंगे तो पहले वहां पर आपको राउंड के मिलते थे, अब आपको यहाँ पर वर्टिकुलर में मिल रहे हैं। आप बोल सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर इफेक्ट्स भी मिल रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर कोई से भी अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, आपको जो भी लगे यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो सेकंड चेंज तो ये रहा दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल मैंने इसके मेजर आपको मैंने दो फीचर बताए, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे फीचर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है मेरी वीडियो कुछ कमी तो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बोले, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।